नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ दो दावत थी, खाने की दावत सिर्फ दो दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। अकीके का मतलब है कि बाप अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से रिश्तेदार को, गरीब को, दोस्त अहबाब को बुला करके दावत खिला रहा है कि अल्लाह ने मुझे बेटी का बाप बनाया, बेटे का बाप बनाया। इसका नाम अकीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दावत थी। हमारे नबी के ज़माने में दूसरी दावत, लड़के ने लड़की से शादी की, शादी किया और अपने घर लेकर के आया इस खुशी में कि यार मैं जवान रहा, जिंदा रहा, मेरी शादी हो गई, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे साहिब औलाद बनाए, गुनाह से बचाए, सुकून दे। इस खुशी में उसने अपने रिश्तेदार को बुला करके दावत किया, इसका नाम वलीमा है। हुजूर के ज़माने में सिर्फ दो दावत थी, लेकिन हमने कितनी दावत का इजाफा किया आप सुनते जाइए। बच्चे का खतना होगा हमने दावत किया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। नया मकान बनाए पानी की तरफ पैसा उड़ा दिया, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। बेटी वाले के यहाँ गए, 100 आदमी को लेकर के गए, 100 गाड़ी लेकर के गए, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा, ये दावत नबी के ज़माने में नहीं थी। जानते हैं मद्रास में काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, रजिस्टर जब मुकम्मल हो गया तो कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, मेज़बान ने कहा, तुम बड़े बेशरम काजी हो, टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो, एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना चाहिए 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया है, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं, 3 लाख काजियाना पहले जमा करो उसके बाद निकाल करो। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे, सादगी के साथ निकाह करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको गनी बना देगा, कर्ज में नहीं रखेगा, अल्लाह आपको 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की देगा। हाथ उठाइए, सादगी के साथ निकाह करेंगे, फैशन के साथ निकाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बरस की, मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, 4-5 आदमी, 2-4 उठाते रहिए, कन्या के भी मांगो, दूल्हा के भी मांगो, आधा इधर आधा उधर।